Good morning, students. Today we discuss the earthquake and volcanoes. So first of all, let me take the what is an earthquake. An earthquake is the shaking of the surface of the earth resulting from a sudden release of energy in the earth lithosphere that creates the seismic waves. इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं भी earthquake क्या है. Actually, ऐसा क्यों होता है? The Earth's surface is never static, it is the dynamic and ever changing. Two forces are constantly changing. हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर दो forces काम करती हैं. There are two types of forces, endogenic forces and exogenic forces. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो sudden change करता है वो आपका endogenic forces, यानी endogenic forces जो है वो काम करती है. और ये जल्दी जो exogenic forces है वो slowly काम करती है, उसमें कोई बहुत टाइम लगता है. लेकिन जब ये कोई अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो जाता है, तो वो सडनली जो है उसके अंदर चेंज आ जाता है, देख सकते हैं अभी. हम बात करते हैं ये अर्थक्वेक क्या होता है. उसके अर्थक्वेक जो बहुत ही भयंकर चीज है, सेकंडों में जो है वो सब कुछ खत्म कर देता है. तो ये अर्थक्वेक में दो चीजें होती है, फोकस और एपिसेंटर. तो यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम दिया गया, फोकस और एपिसेंटर. फोकस जो है वो अर्थ के नीचे होता है और जो एपिसेंटर है जो उसके ऊपर वाला देख सकते हैं आप, ये एपिसेंटर होता है. एपिसेंटर इज द लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबोव वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स. फोकस एपिसेंटर इज द लोकेशन ऑफ द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स. तो ये इसका जहां पर फॉल्ट होता है वहां पर इस प्रकार से होता है. ये था अर्थक्वेक के और एपिसेंटर. हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक. इसके कौन कौन से कारण है. इसमें कुछ नेचुरल कॉजेज हैं, कुछ ह्यूमन मेड कॉजेज हैं. अर्थक्वेक जैसे भी बात करते हैं, रिजल्ट ऑफ द स्लो मूविंग प्रोसेस दैट ऑपरेट द अर्थ. इससे भी वोल्केनो के कारण या कोई फॉल्ट पड़ जाता है, नेचुरल कोई फॉल्ट हो जाता है. इसमें फॉल्ट के कारण क्या होता है, मोस्ट कॉमन अर्थक्वेक एंड अर्जेंट बाय द स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग द फॉल्ट प्लेन. यहाँ पर आप इसमें जो रॉक्स वो रगड़ खा जाते हैं उसके कारण. और इसके बाद आता है वोल्केनिक. जब कोई वोल्केनो का एक्सप्लोजन होता है उसके कारण भी बहुत हलचल होती है और उसके कारण आपको आते हैं. खासकर जो पैसिफिक के ओशन रिंग ऑफ फायर है जहाँ पर ज्यादा वोल्केनो एक्सप्लोज होते हैं, जैसे जापान का एरिया, फिलीपींस का एरिया है, तो वहाँ पर फ्रिक्वेंटली जो है वो क्वेक आते हैं और उसका जो मेन कारण है वो वोल्केनो का. दूसरा इसके अंदर आता है कोलैप्स. जब कई बार हम देखते हैं ये एक मैनमेड रीजन है, जब कोई माइंस है वो कोलैप्स हो जाती है उसके कारण भी आसपास के एरिया. दूसरा प्लेट टेक्टोनिक, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है. जो प्लेट है हमारा जो रिजिड है इसका अर्थ पोर्शन है वो प्लेट कहलाता है. और वो प्लेट जो है फ्लोटिंग कर रहा है. फ्लोटिंग में क्या होता है कि आपस में वो डाइवर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस होता है और उसमें जो मूवमेंट होती है उसके कारण भी बहुत ज्यादा जो है वो अर्थ बहुत ही खतरनाक. दूसरा इसके अंदर अभी रिजर्वर इंड्यूस्ड, कई बार इंसान जो है वो कोई लेक है या कोई डैम बना देता है जिसके कारण जो है बहुत बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण भी जो है अर्थक्वेक आ जाती है. इसकी कुछ से रीजन है. इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं भाई ये ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है, टेकिंग वाटर आउट ऑफ द ग्राउंड विच कॉजेज द वाटर एबल टू ड्रॉप कैन ऑल्सो द डिस्प्लेस एंड द एग्जिस्टिंग फॉर्म. नेक्स्ट अपन जियोथर्मल पावर प्लांट है कहीं एरिया में, उसके कारण भी इस प्रकार की सिस्मिक एक्टिविटी होती है. ट्रैकिंग एंड इंजेक्शन में, कई बार हम कोई चीज नीचे जमीन में ट्रैकिंग करते हैं, इंजेक्ट करते हैं और वो फिर दोबारा ऊपर आ जाती है. तो द फ्लूइड कैन सीप आउट एंड लुब्रिकेट फॉल्ट्स कॉजिंग देम टू स्लिप मोर. इसके अलावा हमने बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी है, जैसे देख सकते हैं अभी बिल्डिंगें, इसके कारण इट इज अबाउट द पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन द सॉफ्ट सेडिमेंटरी रॉक. दिस स्ट्रेस इज ड्यू टू द ऑल एक्स्ट्रा स्टील एंड द कंक्रीट यूज्ड टू मेक द स्काईस्क्रैपर सॉलिड एनफ टू विदस्टैंड द. ये थे इसके कुछ कॉजेज भी, कौन कौन से इसके कॉजेज हैं अर्थक्वेक के, इसके कारण ही आते हैं. हम बात करते हैं इसके इफेक्ट. अर्थक्वेक जब भी आता है तो लॉस तो होता ही है, लाइफ का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है. तो इसके इफेक्ट देर आर सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेगेटिव के ज्यादा पॉजिटिव जो है वो कम. द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी में तो देखिए क्या होता है,
they are the immediate damage caused by the quake, such as the collapsing building है, roads है, bridges है, which may kill many people. Those lucky enough to survive can suffer badly from shock and pain. बहुत ही लकी होते हैं तो इससे फंस जाते हैं. तो ये इसकी कुछ डायरेक्ट इफेक्ट है. बिल्डिंग है वो क्लस्ट हो जाती हैं, रोड जो है वो टूट जाते हैं, पूरा नुकसान हो जाता है कई बार, और लैंड जो है वो लर्चिंग हो जाती है, कहीं बैठ जाती है. सेकेंडरी इफेक्ट क्या होता है इसके, जैसे कि सुनामी आ जाती है, जब ओशन में अर्थक्वेक आता तो उसके कारण सुनामी होती है. सुनामी जो है वो एक जापानी नाम है, ये इसमें वेव उठती है ड्यू टू द अर्थक्वेक. सर ये अर्थक्वेक जो ज़्यादा गहराई में नहीं होता है. और जैसे देखें कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी जापान में और उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया. ये इस प्रकार उसके बाद सोयल का लिक्विफिकेशन हो जाता है. सोयल जो है वो लिक्विफिकेशन है, लिक्विड से हो जाता है, ऊपर से जाती है और दिस इज नॉट फिट फॉर फूड एग्रीकल्चर. कई बार आग लग जाती है, इसके कारण बीमारियां फैल जाती है, सूखा पड़ जाता है, कहीं पर फल आती है, कहीं पर ड्रॉप आ जाता है, और लैंडस्लाइडिंग तो होती है. लैंडस्लाइडिंग के कारण में बहुत ही नुकसान हो जाता है. लेकिन इसका कुछ ये पॉजिटिव क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव ये होता है अर्थक्वेक का, कुछ हमारे जो मिनरल्स हैं, देखिए जो मेंटल पार्ट है आपका, जैसे क्रस्ट है, मेंटल है कोर, जो मेंटल से जो प्रोसेस होता है वहाँ पर एडिक्टिव कुछ मिनरल्स जो है वो ऊपर आ जाते हैं कभी कभी, इसके कारण जो मिनरल्स ऊपर आ जाते हैं और इस प्रकार से इसमें स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, कुछ रिवर जो है वो रास्ता चेंज कर देते हैं. इसका मेरे ख्याल से नुकसान बहुत ज़्यादा है और फायदा कम है. ये था इसका इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक. नेक्स्ट हम बात करते हैं भी एक साइंस होती है सिस्मोलॉजी, जो अर्थक्वेक का अध्ययन करते हैं. इसमें एक सिस्मोग्राफ होता है और सिस्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द अर्थक्वेक्स, जो इसको रिकॉर्ड करता है. जनरली इट कंसिस्ट ऑफ ए मास अटैच्ड टू ए फिक्स्ड बेस. ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द बेस मूव्स एंड द मास डज नॉट. द मोशन ऑफ द बेस विद रिस्पेक्ट टू द मास इज कॉमनली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इलेक्ट्रिकल. इस प्रकार से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सिंपल से ग्राउंड मूवमेंट को जो देखता है, उसका बेस होता है, फ्रेम लगा होता है, फिक्स मास होता है और उसके ऊपर ड्रम होता है, ड्रम के ऊपर एक पेंसिल लगी होती है और कोई भी मूवमेंट होती है, ग्राउंड मूवमेंट होती है, वो तो उसके अंदर वो चलता है और मूवमेंट उसके ऊपर, जैसे हमने कई बार हार्ट बीट मापते हैं, हार्ट का जो आजकल टेस्ट किया जाता है, उसी प्रकार से होता है. तो इस तरह से जब कोई मूवमेंट होती है, सेकिंग होती है, तो इसका रिकॉर्ड किया जाता है. इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ. तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफ का और इसमें कई प्रकार की वेव निकलती है. प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है. सबसे पहले प्राइमरी वेव आएंगे, इसकी जो स्पीड होती है वो 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है. उसके बाद सेकेंडरी आएगी, फिर लॉन्गिट्यूडनल जो सरफेस वेव, वो सरफेस हो जाती है. तो इनमें इन वेव के द्वारा भी हमें जो है इंट्रो अर्थ की जानकारी काफ़ी मिली है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक्स. भी अर्थक्वेक जो है वो कहाँ कहाँ आते हैं, लेकिन मेन जो अर्थक्वेक है जहाँ पर ज़्यादा वोल्केनोस का एक्सप्लोजन होता है, इसमें जो पहली बेल्ट है आपका सर्कम एसिफिक बेल्ट है, देख सकते हैं आप, ये जापान का एरिया है कुछ ये, इसमें ये सारे का सारा ये नॉर्थ अमेरिका यानी ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और ईस्टर्न साउथ अमेरिका का एरिया यानी पैसिफिक जो ओशन है, तो ध्यान से देखिए तो पैसिफिक ओशन है, ईस्ट पैसिफिक राइज है, सैन एंड्रियास है, ये सारा का सरिया. यहाँ पर वोल्केनो ज़्यादा होते हैं यानी वोल्केनो का एक्सपोजर ज़्यादा होता है. इसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं. अबाउट 68% ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक आर ऑब्जर्व अलोंग द कोस्ट ऑफ द वास्ट पैसिफिक ओशन. दिस इज नोन एज द रिंग ऑफ फायर. दिस इज द एक्स्ट्रा फॉर दिस इज द एरिया ऑफ द इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी. यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी और इसके कारण यहाँ अर्थक्वेक जो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं. दिस एरिया इज क्लोजली लिंक्ड विद द रीजन ऑफ द क्रस्टल डिसलोकेशन एंड वोल्केनिक फिनोमेना. इसमें कंट्री के नाम आपको बताऊंगा, चिली है शायद इसको बोलते हैं, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड एंड मिड ओशियन एरियाज हैव हैड मेनी माइनर एंड द मेजर अर्थक्वेक इन दिस स्टेट. द माउंटेन्स हियर run along the border of the continents and nearly the parent to the depressions in the oceans. ये जहाँ पर देख सकते हैं आप, ये depression बनता है, ये सारा का सारा जो margin
लैंड है, मार्वेस को बोलते हैं, जहाँ पर ओशियन और कॉन्टिन्यूस आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पर ज्यादा जो है ये अर्थक्वेक आते हैं और वोल्केनो एक्सप्लोजन। सेकेंड इस बेल्ट इसके अंदर है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, जितना भी आप देख सकते हैं, जैसे देखते हैं इंडिया का एरिया ये, और ये यहाँ से चल करके देखिए, ये यहाँ से चल करके ये मेटेरियन सी से होता हुआ और ये इस प्रकार से इसमें ये सारा का सारा अल्पाइन माउंटेन सिस्टम है, हिमालय माउंटेन सिस्टम। नियरली 21% ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक अकर इन द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, इट एक्सटेंड्स पैरेलल टू द इक्वेटर फ्रॉम मेक्सिको across Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea, from Alpine Caucasus ranges to the Caspian Himalayan mountain and the adjoining lands. This zone has folded mountain, large depression and the active volcanoes. तो ये area second इसका area ये था, जहाँ पर है frequently जो है वो हमारा जो Himalayan mountain region है, Caucasus region है, और ये सारे का सारा देख सकते हैं Mexico, यहाँ पर है frequently जो है वो earthquake. इसके अलावा कुछ माइनर बेल्ट भी हैं। The remaining 11% of the shocks are recorded outside these two belts. Only a few occur along the fracture in the African lakes, Red and Dead Sea zones का एरिया। तो यहाँ पर भी ये इस प्रकार की एक्टिविटी होती रहती है, यानी अर्थक्वेक आते हैं। ये सब जो आपका अर्थक्वेक क्या होते हैं और अर्थक्वेक के कॉजेज क्या हैं और इफेक्ट क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं। नेक्स्ट ये इसी से मिलता टॉपिक है हमारा वोल्केनोस। वोल्केनोस के बारे में आपने सुना होगा, वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो एक वेंट होता है, अर्थ जैसे नेक होती है, उस वेंट के जरिए जो मटेरियल बाहर आता है। ये वोल्केनो इज ए रुप्चर इन द क्रस्ट ऑफ ए प्लेनेटरी मास ऑब्जेक्ट सच एज द अर्थ दैट अलाउज हॉट लावा वोल्केनिक गैस एंड गैसेस टू द एस्केप फ्रॉम ए मैग्मा चैम्बर फ्रॉम द सरफेस। जो हर सरफेस उसके अंदर जैसे नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे कि मैं आपको बताया था जो एस्थोस्फीयर है जो मेंटल और क्रस्ट के बीच का एक पार्ट है, जो वीक पार्ट है एस्थोस्फीयर, तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उसमें जो है वो गर्मी निकलती है और जब वो मेल्ट हो जाते हैं वो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, और जहाँ से भी उनको वीक से जोन मिलता है उसके जरिए बाहर आते हैं। कई बार वो बाहर नहीं आ पाते, अंदर ही जमा हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो मैग्मा जो बाहर आता है उसको लावा बोलते हैं, और इसमें बहुत से मटेरियल जो है वो बाहर आते हैं। कई बार इसमें गैसेज आती हैं, लिक्विड्स आते हैं, सॉलिड्स आते हैं, बहुत सी जो मिनरल्स हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है आपका, यानी उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, और इससे कई बार बड़े कई फायदे हो जाते हैं, बहुत से मिनरल्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। सो तो वोल्केनो क्या, वोल्केनो इज ए सडन एंड अबरप्ट एक्सप्लोजन इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ through which the magma, gas, dust, smoke and solid material is ejected. The hot molten magma through the surface is brought to the surface as lava. Lava is at very high temperature. इसका जो temperature होता है lava का बहुत ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, फिर ये अलग इसकी फॉर्म बन जाती है, basalt के रूप में बन जाता है, अलग अलग फॉर्म के रूप में जमता है, अलग अलग एरियाज में जमा करता है। इसका जो temperature है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1300 डिग्री सेंटीग्रेड and contains the steam and the several other gases. All these materials are ejected at great pressures through a pipe which is known as the vent. ये बिल्कुल जो vent है उसको उसके जरिए आते हैं, यानी एक नाली सी कह सकते हैं हम उसको, एक neck कह सकते हैं, गर्दन के जरिए आता है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर आता है। इस प्रकार की एक नेचुरल प्रोसेस है। लावा फ्रॉम a cone-like features on the surface of the earth which is known as the volcanic. वोल्केनिक कोन के जरिए, एक शंकु के जरिए आता है, कोन के जरिए बाहर आता है इस प्रकार से, और इसको बोलते हैं वोल्केनो कोन के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं आप इसके नीचे जो पिक्चर दिखाई गई, इसमें ये वोल्केनो कोन के रूप में जो है ये दिखाई दे जाती है। तो इसमें द डायमीटर ऑफ द क्रेटर मे बी वेरी फ्रॉम अ फ्यू मीटर टू अ फ्यू किलोमीटर। इसका जो डायमीटर है कई बार क्रेटर बन जाते हैं, इसके डिप्रेशन बन जाते हैं, तो ये कुछ किलोमीटर से लेकर के कई किलोमीटर तक का हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो मेटेरियल इससे निकलता है, कौन कौन से मेटेरियल इजेक्टेड होते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेटेरियल है इजेक्टेड बाय द वोल्केनो। इसमें गैसेस होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो गैसेस में गैसेस सब्सटेंसेस आर द मेनली कंपोज ऑफ द स्टीम प्रोडक्ट बींग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर वेपन का मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर वेपन है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो एटमोस्फेयर में जाता है, उसके बाद फिर वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, तो 60-90% जो है वो वाटर वेपर होता है। दाल गैस इज थ्रोन आउट बाय द वोल्केनोस, दिस वाटर वेपर कॉजेज हैवी द रेनफॉल आफ्टर द कंडेंसेशन इन द एटमोस्फेयर, यानी कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, यानी वाटर वेपर से जो है फिर वो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड के बाद फिर रेनफॉल होती है। इस प्रकार से ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में बात करते हैं कुछ लिक्विड इसके ऊपर आता है। The liquid matter is the lava. Temperature of the freshly ejected lava may range between the 600 degree centigrade to the 1200 degree centigrade. Water also comes out along with lava. The speed of the lava flow depends upon the composition, mobilities and the slope of the ground. इसका composition किस प्रकार का, उसकी mobility कितनी है और इस प्रकार के slope कितना, उसके ऊपर depend करता है उसकी speed। लेकिन इसकी speed जो है वो 15 किलोमीटर है पर हावर्स होती है और कई बार मैक्सिमम जो है वो 80 किलोमीटर तक भी ये देखेगी। तो ये था आपका लिक्विड जो है वो इस कंपोजिशन के जरिए आता है, कितना स्लोप उसके ऊपर होता है, उसकी स्पीड कितनी होती है, तो ये मेटल इसमें बाहर आती है। नेक्स्ट इसमें आता है सॉलिड। वेरी ऑफन द लावा इन द वर्टिकल पैसेज गेट्स लिक्विफाइड, द नेक्स्ट वोल्केनिक इरप्शन थ्रू द पाइप इज कंपेंसेटेड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ द हाईली कंप्रेस्ड कंप्रेस होकर के बाहर निकलता है। तो मेटल आता है तो उसकी पीछे से कंप्रेस किया जाता है, फिर तभी जाकर के वो बाहर आता है और बड़ी स्पीड से आता है, जैसे कोई बम आता है एक्सप्लोज होता है। द नेक्स्ट वोल्केनिक इरप्शन थ्रू द पाइप इज कंपेंसेटेड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ हाईली कंप्रेस्ड गैसेस थ्रोन थ्रोइंग आउट ब्लॉक्स ऑफ द सॉलिडिफाइड लावा फ्रॉम द इनसाइड द ट्यूब पाइप। द सॉलिड मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द फाइन एयर एंड द डस्ट पार्टिकल्स एंड द एंगुलर फ्रैगमेंट्स मोस्टली ऑफ लावा रॉक ब्लॉन्ग अप फ्रॉम विद इन द वेंट। उस प्रकार उस वेंट के जरिए, नेक के जरिए जो है वो स्पीड भी बाहर आते हैं, बहुत बोलते हैं स्पीड से आते हैं। और ये अलग अलग इनका साइज होता है, कई छोटे साइज के होते हैं, कई बड़े साइज के होते हैं, तो उसी तरह से बाहर आते हैं। द डायमीटर ऑफ द सॉलिड ब्लॉक थ्रोन बाय द वोल्केनोस इज मोर देन 33 मिलीमीटर, इट इज नोन एज द वोल्केनिक। अब उनका साइज जो है मोर देन 33 मिलीमीटर है, उसको बोलते हैं वोल्केनिक बम के रूप में बाहर आती है, जैसे बम आता है। इट इज नॉट एज वोल्केनिक बम एट प्लेसेस, द वोल्केनिक बम्स वेइंग द 60 टन्स हैव बीन सीन बट द देयर नंबर ऑफ द स्मॉल्स द पीसेस ऑफ द 4-25 मिलीमीटर। अगर कोई पीसेस उसके जो साइज है 4-25 मिलीमीटर का है एंड नोन एज द वोल्केनिक द लैपलिंग, इसको बोलते हैं वोल्केनिक लैपलिंग। पहले था वोल्केनिक बम और दूसरा उसमें आता है वोल्केनिक लैपलिंग। अगर लेस देन 4 मिलीमीटर है तो उसको बोलते हैं एस कॉल्ड द डस्ट और द एस। ये था मटेरियल जो बाहर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ द वोल्केनोस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वोल्केनोस, एक्टिव वोल्केनोस, डोरमेंट और स्लीपिंग एक्सटिंक्ट और द डेड। ऐसे नाम से भी एक्टिव, इसमें फ्रीक्वेंटली जो है वो एक्सप्लोजन होता रहता है, इस प्रकार के बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोस। The Etna volcano of Italy has been active for the last 2500 years. The strongly volcanized of Sicily island explodes after the even the 15 minutes and is known as the lighthouse of the metal. तो इसमें frequently जो है explosion होता रहता है, so ये active है, so they are known as the active volcanoes. Next up the dormant or the sleeping volcanoes. Dormant volcanoes are those in which the eruption has not been occurred regularly और ए लॉन्ग टाइम, जिसमें पिछले काफी दिनों से कोई मतलब रेगुलरली जो है उसके अंदर एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, उसको बोलते डोरमेंट यानी स्लीपिंग, वो कुछ सोया होता है। लेकिन बट दे आर काज ए ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी व्हेन दे सडनली बिकेम्स एक्टिव। लेकिन कभी कभी ये अचानक जो एक्टिव हो जाते हैं और जिसके कारण बहुत ज्यादा जो है प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस हो जाता है, तो जब ये एक्टिव हो जाता तब की बात। इसके एग्जांपल हैं हमारे यहाँ पर, एक कुछ एग्जांपल दिए गए। विस्वेस वोल्केनो ऑफ इटली हैज एक्सप्लोडेड ओनली 10 टाइम्स इन अबाउट द 1500 इयर्स। द वोल्केनिक और द बैरन आइलैंड इज द ईस्ट ऑफ द अंडमान्स। इंडिया एक्सप्लोडेड इन 1991 आफ्टर रिमेनिंग द डोरमेंट फॉर द सेवरल इयर्स। इस प्रकार के कुछ एग्जांपल इसमें दिए गए, देख सकते हैं आप ही यहाँ। नेक्स्ट आपका एक्सटिंक्ट और द डेड वोल्केनोस। इस प्रकार के जो बिल्कुल
बहुत सालों से डेड पड़े हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इनमें भी कभी कभी जो है वो अचानक से कोई एक्टिवनेस आ जाती है और ये बहुत ही खतरनाक है। द वोल्केनोस विच हैव नॉट रिकॉर्डेड एनी रिसेंट हिस्टोरिक टाइम्स आर कॉल्ड द एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। द वेंट ऑफ एन एक्सटिंक्ट वोल्केनोस इज ब्लॉक्ड एंड इट्स क्रेटर इज फिल्ड विद द रेन वाटर। इसका जो क्रेटर है वो पानी से भर चुका है, उसके ऊपर वेजिटेशन जम आती है यानी पैदा हो जाती है और इस प्रकार से वो ना के बराबर। लेकिन कभी कभी इसके अंदर अचानक जो है वो एक्सप्लोर इस प्रकार का रोल किए गए, वेजिटेशन स्टार्ट ग्रोइंग ऑन इट, द पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्यूचर एक्सप्लोजन बिकेम द रिमोट। होप ऑफ द मेनामार इज इट्स द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल। मेनी ए टाइम एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो सडनली बिकेम्स द एक्टिव। दिस हैज हैपेंड इन केस ऑफ द टेराकोटा वोल्केनोस। द आइलैंड ऑफ द टेराकोटा इज इन द सुंडा स्ट्रेट बिटवीन द आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा। ये आइलैंड है इंडोनेशिया और मलेशिया। यहाँ पर इस प्रकार के एग्जाम्पल देखे गए थे और बहुत ही खतरनाक था ये, यानी जिसकी जो आवाज़ है बहुत दूर सुनेगी और बहुत लोग मारे गए थे इसमें। तो इसमें बाय एक्सप्लोजन विच से कॉज द टाइडल वेव्स अबाउट द 16 मीटर्स हाई किलिंग 36,000 पीपल इन वेस्ट जावा। वोल्केनिक डस्ट एसिड एंड द स्मोक स्प्रेड इन अबाउट द 27 किलोमीटर। Rock fragments and lava rose to a height of above the 800 meters. The sound of the explosion was heard as far as the Istanbul, Turkey in the west and the Tokyo in the east. देख सकते हैं आप भी टोक्यो कहाँ पर है और इस्तांबुल तुर्की में कहाँ पर, वहाँ तक इसकी आवाज़ जो है वो सुनाई दी थी। The volcanic dust and the gas encircling the globe in the atmosphere caused strange sunrise and sunset condition for about the 3 years. 3 साल तक यानी जो है वो एक स्ट्रेंज है, वहाँ पर सनसेट होता था और सनराइज होता था दिखाई देता था, उसका 3 इयर्स तक जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट रहा सनराइज और सनसेट की। देख सकते हैं तो ये टाइप का एक्सटिंक्ट और डेड वोल्केनो कभी भी ये दिख रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देयर आर सम लैंडफॉर्म विच इज फाउंड बाय द वोल्केनोस। तो इसमें दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल होती है एक एक्सटर्नल होती है। कुछ एक्सटर्नल हमारी लैंडफॉर्म में बनती है जिसके कारण जैसे इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये डायग्राम दिए गए, तो इसमें ये दिया गया है सिंडर कोन है, जिससे लावा प्लेटो है, एस कोन है, रोबल डोम है, वोल्केनिक नेक है, देख सकते हैं आप इस प्रकार से ये एस फ्लो है, कालडेरा विद द सिंडर कोन और फ्लोर। ये सारे की सारे जैसे देखते हैं कंपोजिट वोल्केनो है, लावा मेसा, ये जो ऊपर दिखाई दे रही है ये सारे की सारी जो है ये इस यहाँ पर देख सकते हैं वोल्केनिक कोन इस प्रकार से बना हुआ फ्लो। These are the extensive volcanic land. There are some extensive also. This is दिखाया गया आपका भी बैथोलिथ है, ये आपका बैथोलिथ है, प्लूटोन है, सिल है, डाइक है, लेपोलिथ है, ये दीज आर द extensive यानी आंतरिक। इसके अलावा इसमें देखिए यहाँ पर भी कुछ दिखाया गया, क्रेटर दिखाया गया, ये कोन दिखाया गया, एस लेयर है, सोलिडिफाइड लावा, लावा फ्लो, मेन चिमनी जिस दिखाई गई है नहीं दिखाया गया, सेकेंडरी कोर भी बन जाता है तो इसको ऊपरी पता तो ये प्रमाण होता है, इनएक्टिव वोल्केनो इसे देख लिया हो। इसके अलावा ये देख सकते हैं इसमें यंगेस्ट लावा जैसे यहाँ पर इस प्रकार से क्रेटर हो गई और इस प्रकार से ये पैरासेग्मेंट्स ये जमा हुआ। तो यहाँ पर हम कुछ लैंडफॉर्म के बारे में वन बाई वन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, इनकी जो है वो फॉर्मेशन कैसे होती है और उनका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई, जैसे इनकी शेप और साइज है उसके अनुसार इनके नाम रखे गए। लगभग कोई भी लैंडफॉर्म होती है तो उसकी जो शेप है वो किस प्रकार की, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी, उसके आधार पर उसका नाम रखा हुआ है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर इसमें सबसे पहला इसके अंदर दिया गया एस और सेंटर कोन। तो वोल्केनिक मेटेरियल थ्रोन आउट बाई द वोल्केनो कूल्स डाउन इन स्मॉल सॉलिड पीसेस नोन एज द सेंटर। तो वो बाहर आ जाता है तो इस प्रकार से इसका एक कोन के रूप में छोटे टुकड़े के रूप में जो यहाँ पर ये जमा हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम सिंडर कोन। ये देख सकते हैं सिंडर कोन के रूप में द सॉलिड पार्टिकल्स आर रेंड डाउन एंड फॉर्म ए सर्कुलर कोन अराउंड द क्रेटर्स। दिस कोन इज कॉल्ड द सिंडर कोन। सिंडर कोन इज फॉर्म्ड आफ्टर ए नंबर ऑफ द एक्सप्लोजन। ये काफी एक्सप्लोजन की बात बनते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ द सिंडर कोन इज अबाउट द 300 meters and its the side have the concave slope. इसकी जो साइड है वो कॉनकेव स्लोप होती है। They are termed as the central type of the volcanoes because eruptions take place through a central hole in the crust
connected with the interior through a vertical pipe. The activity is marked by a violent explosion. The cone of the Mount Pale, Vesuvius Mount Fiji and Karkota are the good example of the silver core. इस प्रकार की देख सकते हैं ये इसमें ये दिया गया है ये example silver core का. नेक्स्ट इसके अंदर है आपका भाई एसिड लावा कोन और डोम इसको बोलते हैं इसकी शेप जो डोम जैसी हो जाती है. दिस कोन इज फॉर्मड बाय द एसिड लावा व्हिच इज द विस्कोसिस एंड एज द डोमिनेंस ऑफ द सिलिका. इसमें सिलिका का सिलिका से बनता होता है. जैसे हम बात करते हैं भाई सिलिका होता है उसमें कोर में कोर में होता है उसके बाद सीमा होता है मैग्नीशियम ही तो होता है मेंटल में. दिस लावा डिपॉजिट itself near the neck immediately after the explosion and form a dome after the solidification. इसमें कुछ एग्जांपल दिए कहां पर पाए जाते हैं इस प्रकार के डोम की शेप की तरह जो है ये जमा हो जाता है. देख सकते हैं आप इसमें ये पिक्चर में दिखाना चाहूंगा आपको ये देखिए ये डोम शेप की तरह डोम की तरह. दिस लावा सॉरी लेसन पीक इन द कैलिफोर्निया एंड पारी टीडोन इन द फ्रांस आर सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ द डोम. इसके नाम दिए यूएसए में कैलिफोर्निया और ये फ्रांस. उसके बाद हम बात करते हैं भाई कई बार क्या होता है इसमें शायद ये नहीं दिया होगा लावा फ्लो इस प्रकार से देख सकते हैं आप ये लावा का फ्लो है इसमें बेसिक लावा कौन होता है लावा शीट. सम टाइम द बेसाल्टिक लावा हैविंग द लो सिलिका कंटेंट फ्लो आउट क्वाइटली एंड गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सिल्ट. द लावा फ्लो आउट द क्वाइटली अराउंड ए सेंट्रल ओपनिंग इन कोर्स ऑफ टाइम इट्स बिल्ट अप ए सिल्ट शेप वोल्केनो with a wide base, a low shape, low slope, with cools thin the horizontal sheets, probably the best example are the Mauna Loa silt volcanoes in the world. इस प्रकार से देख सकते हैं आप ये जैसे ये लावा फ्लो है और यहाँ पर ये समझ जाता है इसको बोलते हैं आप बेसिक लावा कोन और लावा सिल्ट इसको कह सकते हैं. नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है कई बार कंपोजिट कोन हो जाता है कंपोजिट कोन. दीज आर द प्रोबेबिलिटीज इसमें यहाँ पर दिखाएगा देखिए ये जो चीज है कंपोजिट वोल्केनो दिखाएगा इसमें लेयर्स ही बन रही है यहाँ पर एक दो तीन प्रकार से. तो दीज आर द प्रोबेबिलिटी द लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट वोल्केनिक कोन्स दे आर फॉर्मड बाय लावा एस एक्सेट्रा व्हिच आर डिपॉजिटेड वन आफ्टर द अदर इन ऑलमोस्ट इसकी लेयर बन जाती है जैसे एक लेयर जम गई दूसरी लेयर जम गई इसकी लेयर दो इस प्रकार से एक लेयर दूसरी तो ये कंपोजिट कोन की तरह जो है बन जाता है. They are formed by the lava as extra which are deposited one after the other in almost parallel layers. Sometimes the main cone is covered by a number of the smaller cones which are called the parasite cones. Parasite होते हैं जो उसके ऊपर ही जो है वो दूसरों के ऊपर जो पराजित उसके बोलते हैं parasite. Example of such cones are the Fujiyama Japan, Ascom, Alaska and the Mayan Philippines. इसके example देख सकते हैं फिर. उसके बाद हम बात करते हैं caldera. कैल्डेरा का इसमें ये दिस इज द कैल्डेरा विद द कोन ये कैल्डेरा बन गया. कैल्डेरा इज लार्जली रफली सर्कुलर वोल्केनिक सर्कुलर वोल्केनिक डिप्रेशन है ऑफन सेवरल हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर इन रेडियस. इसका एरिया है वो सेवरल हंड्रेड किलोमीटर होता है उससे भी ज्यादा हो सकता है. यूजुअली हैज अ नंबर ऑफ द स्मॉलर वेंट्स एंड कैन आल्सो कंटेन लार्ज क्रेटर लेक. The distinction between the crater and the calderas is essentially one of the size, 1 to 2 kilometers being the lower limit of the diameter of caldera. Calderas are found in the mechanism of is the collapse of the subsistence which may relate to the explosive eruption. And इसका जो caldera है उसके अंदर subsistence होता रहता है इस प्रकार से और इसका जो area है वो ज्यादा है यानी depression बन जाता है बहुत बड़ा depression बन जाता है. देखिए पहले cone होता है cone के बाद फिर धीरे धीरे नीचे फिर क्रेटर बनता है वो क्रेटर भी फिर धीरे धीरे फैल जाता है इस प्रकार से उसको होता है बहुत बड़े एरिया में इस प्रकार से बोलते हैं कैल्डेरा. यानी लावा जो है वो ठंडा होता रहता है और फैलता है. मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म ऑफ द कोलैप्स और सब्सिस्टेंस व्हिच मे रिलेट टू द एक्सप्लोजिव एक्शंस एंड देयर आर न्यूमेरियस एग्जांपल ऑफ द कैल्डेरा इन अलास्का एंड एलिटियन आइलैंड्स. लार्जेस्ट कैल्डेरा ऑफ द वर्ल्ड इज आल्सो इन जापान. This is the 27 kilometers by 16 kilometers. This is the area. हम बात करते हैं वोल्केनिक पलक. पलक क्या होता है? जैसे बीच में जो वेंट होता है जैसे हम बात करते हैं कोई वेंट होता है जैसे ये इस प्रकार का कोई ये इस प्रकार से वेंट है और बीच में जम जाता है लावा बाहर निकल पाता है उसके बीच में जो है वो जमा हो जाता है उसके बाद फिर दिखाई देता है.
Volcanic plague is formed by the solidification of lava in the vent of the volcano after the eruption is over. The plug becomes the clearly visible after the erosion of the upper rock. जब ये upper erosion हो जाता है, तब दिखाई पड़ता है। इसको बोलते हैं। Such volcanic plugs are found in the large number in the Hawaiian Islands. Sometimes it is called the volcanic neck also. It is also have the 300 to 600 meters. That is the Devil Tower in the Himoeng. This is the example of the volcanic neck. इस प्रकार का है। उसके बाद हम बात करते हैं कई बार जैसे भी फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस कई बार बहुत जैसे हमारा तो डेक्कन प्लेटो है उसके अंदर ट्रैप बन जाती है यानी जो महाराष्ट्र है महाराष्ट्र की बात करते हैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का जो एरिया है डेक्कन ट्रैप वो इस प्रकार से बने पूरे एरियाज में जो वो फैलता रहता है लावा बहुत दूर तक फैल जाता है और इस प्रकार से उसको बोलते हैं अब फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस नाउ वी कम टू द जो स्टेशियो लैंडफॉर्म है हमारे उसकी बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं बैथोलिथ तो बैथोलिथ में दिस इज द लार्जेस्ट स्टेशियो फॉर्म मेड बाय द सोलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन लावा विद इन द अर्थ दिस इज यूजुअली हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग एंड 50 to 80 किलोमीटर जो है इसकी ये होती है चौड़ाई होती है और 100 किलोमीटर जो है लंबी द इडावो बैथोलिथ ऑफ द यूएसए स्प्रेड्स ओवर द 40,000 स्क्वायर किलोमीटर द कोस्ट रेंज बैथोलिथ फॉर कनाडा इज इवन द लार्जर Larger batholiths are so thick it is difficult to reach their the base. In fact, it is the plutonic. इसको बोलते हैं plutonic. यानी जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते इसकी plutonic. It is usually of the dome shape with the steep sides. Its upper surface is uneven. It is usually formed from the granite. और ये आमतौर पर जो granite से निकल सकते हैं आप इसकी इस प्रकार से बनी होती है. इसको बोलते हैं batholith. Next इसके अंदर आता है lacolith. Lacolith देखिए ऊपर प्रकार से गया और इस प्रकार से इसकी एक शेप बन जाती है ये लेक की तरफ बन जाता है कि लावा जो है वो साइड से जाता है वो फिर ऊपर नहीं पहुंच पाता और वहीं पर जहां उसको जगह मिल जाती है और वहीं पर वो फैल जाता है वेयर द मैग्मा पुशेस द अपर लेयर विद ग्रेट फोर्स एंड अज्यूम्स द डोम शेप लैकोलिथ इज फॉर्म्ड सम टाइम्स टेक्स ए मशरूम शेप एज मैग्मा राइज मशरूम की तरह जो है वो मशरूम जो होती है उसकी तरह इसकी शेप हो जाती है मशरूम शेप एज मैग्मा राइज अब सडनली Several lacoliths are found in the western part of the North America. इस प्रकार की लैकोलिथ उसके बाद आपका है लैकोलिथ लैकोलिथ इसके अंदर शायद दिखा नहीं बनने के लिए लैकोलिथ लैकोलिथ हो गई और उसके बाद हम बात करते हैं सील ये सील देखिए देखिए यहाँ से इस प्रकार से ये जो पोर्शन है सील से फॉर्म व्हेन द मैग्मा सॉलिडिफाइज इन द पैनल लेयर्स Its thickness varies from 1 meter to several hundreds of meters. Seals are found in the Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Jharkhand. इस प्रकार की जो form होती है Madhya Pradesh और Jharkhand में. A seal with the less than 1 meter thickness is called a seal. अगर इसकी जो मोटाई है वो less than 1 meter है तो इसको बोलते हैं seal. उसके बाद हम बात करते हैं dike. देखिए dike ये ऊपर जाके किस प्रकार से ये यहाँ पर जमा हो जाता है इसकी seal. When the lava makes its way through the cracks and fissures well in the land, it solidifies almost perpendicular to the ground. ये देखिए ground के perpendicular होगा. Perpendicular to the ground, it gets cooled in the same position to well in the wall-like structure. इसकी wall की तरह ये देखिए wall-like structure इस प्रकार से और ये जमा हो गया. इसको बोलते हैं dike. Such structure called the dike. ये तब कुछ stressful landforms जो पाई जाती हैं. हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनोस वोल्केनोस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है मैं आपको पहले भी दिखा था तो इसमें ध्यान से देखें इस मैप को तो ये जो आपका मैप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक में दिखा गया इसमें लेकिन ये अर्थक्वेक का है दोनों का वोल्केनो अर्थक्वेक दोनों का सेम है तो इसमें जहां जहां वोल्केनो जाता है तो वहां अर्थक्वेक भी आता है इसमें देख सकते हैं आप मेन मेन ये बता आपको बॉर्डर ऑफ द पैसिफिक ओशन दिस इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वोल्केनिक बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड इन विच द 403 एक्टिव वोल्केनोज आर फाउंड दिस इज नोन एज द रिंग ऑफ फायर ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ पैसिफिक दिस बेल्ट एक्सटेंड्स ये सारा का सारा देख सकते हैं अभी सारे के सारे जो ये है
ये जो है इसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। ये चिली है, देखिए सारा का सारा है। फ्रॉम केप हॉर्न साउथ अमेरिका टू अलास्का इन नॉर्थ अमेरिका अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द पैसिफिक दिस बेल्ट एक्सटेंड्स टू द कुरील आइलैंड्स जापान एंड फिलीपींस द आइलैंड्स। तो सारा का सारा जो एरिया देख सकते हैं आप, ये सारा ये एरिया देख सकते हैं जापान का एरिया। नेक्स्ट इसमें आपका आता है मिड डे वर्ल्ड बेल्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज द अल्पाइन हिमालयन बेल्ट। इट स्टार्ट फ्रॉम द मेडेरिया एंड द कनारी आइलैंड एंड क्रॉसिस द मेडिटेरेनियन सी जॉइंट विच इट रन्स फ्रॉम द एल्प्स एंड द हिमालयन रेंजेस। आफ्टर क्रॉसिंग द हिमालयस दिस बेल्ट क्रॉसिस द यूनान म्यांमार अंडमान एंड एंड्स इन द इंडोनेशियन आइलैंड्स। तो सेकेंड बेल्ट आपकी ये देख सकते हैं, ये वाली ये जो है यहाँ पर से ये। नेक्स्ट इसमें आता है अफ्रीकन रिफ्ट, अफ्रीकन रिफ्ट वैली का इस एरिया आपको दिखा रहा है जो डॉट्स जो लाइन आपको दिखाई दे रही है सारा जैसे अफ्रीकन दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द लेक रीजन ऑफ द रेड सी इन द ईस्टर्न। देखिए आपका ये रेड सी है, ये रेड सी जहाँ से लेकर ईस्टर्न रेड सी इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड फर्दर गोज टू द ईस्ट इन द नॉर्थ किलिमंजारो ऑफ द तंजानिया यहाँ तक तो है चला है। एन एक्सटिंक्ट वोल्केनोज इट लाइज इन दीज वैलीज। इसके अलावा कुछ अदर वोल्केनोज भी पाए जाते हैं। सम वोल्केनोज आर सिचुएटेड इन द मिड अटलांटिक वेयर द कैप कैप वर्ड इज वेरी फेमस एजोर्स सेंट हेलिना एंड एसनेस इन द वोल्केनिक आइलैंड बट दे आर मोस्टली इनएक्टिव। आइसलैंड हैज अबाउट द 20 एक्टिव वोल्केनोज। होमेरो मॉरिसस रियूनियन आर इंपॉर्टेंट वोल्केनोज एंड near the Madagascar in the Indian Ocean some of the volcanoes such as the Arles and Terror are found in the Antarctica when an island has the many volcanoes। आपका volcanoes के बारे में अर्थपीक के बारे में बच्चों इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपको जो क्वेश्चन आएंगे भाई what is earthquake इसकी इफेक्ट क्या है और what are the main causes of the earthquake इसी प्रकार से volcanoes की क्या causes हैं और उसकी जो main main जो landform है वो कौन कौन सी बनाएंगे। तो इसलिए से ये दब का चैप्टर इसके साथ में खत्म होता है।